हिंदी बोलेगी चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को बात करते हुए सुना होगा या बोलते हुए सुना होगा। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हुए हकलाते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हकलाना मानसिक आदत है या जीभ के मोटे होने के कारण ही लोग हकलाते हैं या उनके गले में परेशानी की वजह से ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है? तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इन तीनों कारणों की वजह से इंसान कभी नहीं हकलाता। हकलाने के पीछे कोई और वजह है। चलिए आपको बता देते हैं कि इंसान क्यों हकलाते हैं और क्या हकलाना ठीक किया जा सकता है, और अगर ठीक किया जा सकता है तो कैसे ठीक किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंसान हकलाता क्यों है इसको समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि इंसान बोलता कैसे है। आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। जब आप किसी की बात सुनते हो और उसका जवाब देना चाहते हैं तो आप लोग दिमाग के एक हिस्से में एक सेंटेंस बनाते हैं और वो सेंटेंस दिमाग के वर्निकीज एरिया में बनता है। और जब आप उस सेंटेंस को बोलना चाहते हो तो आपके दिमाग का वर्निकी एरिया दिमाग के ब्रोकाज एरिया को एक संकेत भेजता है और यही हिस्सा आपके गले के वोकल कॉर्ड को कंपन देकर बोलने में मदद करता है। तो कहने का मतलब है कि जब आप कोई भी बात बोलना चाहते हैं तो आप दिमाग के इन दोनों हिस्सों वर्निकी एरिया और ब्रोकाज एरिया की वजह से ही बोल पाते हैं। वैज्ञानिकों ने हकलाने वाले लोगों और नॉर्मल बात करने वाले लोगों पर रिसर्च करने के लिए जब उनके दिमाग के MRI स्कैन किए तो उनको पता चला कि जितने भी हकलाने वाले लोग थे उनके दिमाग के ब्रोकाज एरिया में सिलिब्रल ब्लड फ्लो बहुत कम था, यानी उनका दिमाग का जो हिस्सा किसी भी बात को बोलने में मदद करता है उस हिस्से में खून का बहाव बहुत कम था। तो वैज्ञानिकों ने दावा करते हुए प्रूफ के साथ ये बताया कि जो लोग हकलाते हैं उनके जीभ और गले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि उनके दिमाग के उस हिस्से में खून बहुत कम पहुंचता है जो किसी भी बात को बोलने में मदद करता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हकलाने की इस समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, आपको इस समस्या को ठीक करने के लिए अपने दिमाग के उस हिस्से में खून का बहाव ठीक करना होगा जो आपको बोलने में मदद करता है। तो ऐसा करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी। जैसे बहुत सारे लोग छोटी सांस लेते हैं, लेकिन हकलाने वाले लोगों को लंबी और ज़ोर ज़ोर से सांस लेनी चाहिए और छोड़नी चाहिए, और जो शब्द वो बोल नहीं पाते उनको लंबी लंबी सांस लेकर हर रोज़ सुबह शाम बोलने का प्रयास करें। और जिन शब्दों को हकलाने वाले लोग सही से बोल नहीं पाते उन शब्दों को वो उस वक्त बोलने का बार बार प्रयास करें जब वो दौड़ या रनिंग कर रहे हों, क्योंकि उस वक्त आपके शरीर में खून का बहाव ठीक होता है। और ऐसे लोगों को सुबह खाली पेट शीर्षासन जरूर करना चाहिए, क्योंकि शीर्षासन करने से आपके दिमाग के हर हिस्से में खून अच्छी मात्रा में पहुंच पाता है, और शायद ऐसा करने से आपकी ये समस्या कुछ ही दिनों में ठीक हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ऐसी ही वीडियो फ्री में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबाएँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।